नमस्कार मित्रों, मैं योगी सारस्वत आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मित्रों हम चल रहे हैं रमणरेती। रमणरेती आपने सुना होगा, पहले ना सुना हो तो मैं बता देता हूँ। रमणरेती वो जगह है जिसे भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली मतलब प्लेग्राउंड माना जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते चराते खेलते थे गोकुल में रहते हुए। जब गोकुल की बात आती है तो ये गोकुल के पास ही है, 5-6 किलोमीटर होगा गोकुल से, और गोकुल पड़ता है मथुरा से 10 किलोमीटर, तो मथुरा से रमणरेती करीब 15 से 16 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि रमणरेती के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम ट्रांसपोर्ट मिल पाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। गोकुल तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो लगातार चलते रहते हैं गोकुल स्टैंड से। लेकिन जब आपको रमणरेती जाना होता है गोकुल से तो बड़ी मुश्किल आती है। मैंने फेस किया इसलिए मैं बता पा रहा हूँ उस बात को। बहुत कम ऑटो मिलते हैं, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, आपको ईजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, ऑटो नहीं मिलेगा। तो बहुत बेहतर ये रहेगा कि आप अगर मथुरा गए हैं, गोकुल जा रहे हैं और रमणरेती भी आपके मन में है जाने का, तो आप मथुरा से ही ऑटो या कार हायर करके लेके जाइए, वही आपको घुमा के ले आएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये रमणरेती केवल श्रद्धा और आस्था की जगह है, रमणरेती बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। हमारे लिए मतलब बड़े लोगों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए तो ये रमणरेती में आस्था का है ही, श्रद्धा का है, क्योंकि वहाँ पे बालू है, यमुना की बालू है, और भगवान श्री कृष्ण जिस बालू में खेलते थे उसी में आप लोटपोट होते हैं, उसी में एक तरह का बालू का स्नान करते हैं, तो आप भगवान के को महसूस करने लगते हैं, भगवान में एक तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। लेकिन बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत सारे अलग अलग तरह के डियर्स देखने को मिलेंगे आपको, आपको एमू देखने को मिलेगा। एमू आप समझते होंगे, वो ऑस्ट्रिच के जैसा ही एक बर्ड होता है, ऑस्ट्रिच से थोड़ा सा कम हाइट होती है उसकी, लेकिन पहली नज़र में अगर आप देखेंगे और अगर आपने ऑस्ट्रिच नहीं देखा हुआ तो आप सोचेंगे अरे ये तो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है ये, ठीक है। और इससे आगे थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है ब्रह्मांड घाट, रमणरेती से 1.5-2 किलोमीटर आगे जगह पड़ती है ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट बड़ी छोटी जगह है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका हो जाता है इधर। लेकिन यहाँ पहुँचना, यहाँ जाना, एक तो ब्रज को करीब से देखने जैसा है। ब्रह्मांड घाट वो जगह है, वो जगह मानी जाती है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया था अपने मुंह में। वो कहानी आपको पता होगी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी तो यशोदा मैया ने पूछा कि तूने मिट्टी खाई है, कि ना माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया बोली कि नहीं तूने मिट्टी खाई है, मुँह खोल। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुँह खोला तो उसमें यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड नज़र आया था। ये कहानी आपने सुनी होगी, ये पढ़ा होगा, ये जानते हैं आप सब लोग। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो घटना घटित हुई थी वो इसी जगह पे घटना घटित हुई थी, ऐसी मान्यता है। प्रमाण मुझे नहीं मालूम कि क्या प्रमाण हैं, क्या सबूत, मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ऐसा माना जाता है। और आस्था सबूत नहीं मांगा करती। बहुत ज़्यादा सुंदर जगह नहीं है, लेकिन ब्रज को आप बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से देख पाते हैं ऐसी जगहों पर जो कम भीड़ भाड़ वाली होती हैं, जहाँ एक्चुअल आपको जो ब्रज है उसके दर्शन होते हैं। तो मैं कहूँगा आपसे कि जब इतनी बड़ी बड़ी जगह हैं, इतनी दूर दूर जब जाते हैं आप, तो एक बार ब्रज का दर्शन करके भी आइए। और ब्रज, मेरा ब्रज बड़ा सुंदर है, बस ये है कि मार्केटिंग ना है भाई जाके,
लेकिन अब धीरे धीरे मार्केटिंग है रही है, ब्रज के दर्शन है रहे हैं, ब्रज में लोग जा रहे हैं, तो बात चीज़ें निकाल के ला रहे हैं कि ब्रज कितना सुंदर है। एक बार ब्रज है कि आना चाहिए, समय है कि आना चाहिए, तभी ब्रज की खूबसूरती, ब्रज की सुंदरता पता पड़ेगी। नहीं तो दूर दूर तक ही लगेगा कि ब्रज में कछु ना आए, ब्रज में कछु ना आए। तो एक बार टाइम निकालो तो मथुरा जाओ, तो मथुरा के संग संग वृंदावन, गोवर्धन और गोकुल रमन रेति बिल्कुल मत भूलिए, गोकुल रमन रेति और 1.5-2 किलोमीटर फिर ब्रह्मांड घाट भी है, तो ये वो करके आइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।